तो चलो भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आज हम बात करने वाले उस कॉमेडी फ्रेंचाइजी के बारे में जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक है और जो सबसे पुराना भी है और सबसे आइकॉनिक भी है। उसका हर एक कैरेक्टर आइकॉनिक है। वो दो पार्ट में आया था, दो ही पार्ट ब्लॉकबस्टर हुआ, लोगों ने पसंद किया, अपने दिल में बसाया। और अब उसका थर्ड पार्ट को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ भाई साहब, वो तो अलग ही लेवल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हेरा फेरी 3 के बारे में, जिसका हर एक कैरेक्टर आइकॉनिक है भाई साहब। क्या कहे, लोग वेट कर रहे कि ये मूवी कब आएगा, क्या हुआ क्या नहीं होगा। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करने वाले कि क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, जिनको भी ये चीज लग रहा है कि ये मूवी आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं बता दूं ये मूवी आ रहा। तो दोस्तों जब इस मूवी का फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट हुआ था, तब से लेके अब तक इस मूवी के अंदर खाली कंफ्यूजन और कंफ्यूजन ही चल रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, चीजें और भी चेंज हो रहा है और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा। तो पहले कैरेक्टर चेंज हुए, जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन आए, फिर उनसे भी बात नहीं बना, मूवी यहाँ पे फिर से पोस्टपोन्ड हुआ। फिर से उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम पुराने कैरेक्टर को वापस लेके आएंगे, यानी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी फिर से वापस आने वाले। और उसके बाद और एक न्यूज आया कि नहीं, अक्षय कुमार नहीं करने वाले, बहुत सारे रीजन। फिर उसके बाद और ज्यादा ट्रेंड हुआ उस मूवी को लेके, नहीं अक्षय कुमार चाहिए। फिर उसके बाद काफी सारे डायरेक्टर भी चेंज हुए कि नहीं भाई ये, नहीं भाई वो, काफी सारी चीजें हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनलिस्ट हुआ कि नहीं भाई, जो पुराने कैरेक्टर थे वही वापस आए। एंड उसके बाद हम सभी लोगों को क्या पता चलता है कि इस आइकॉनिक मूवी के अंदर जो डायरेक्टर होने वाले हैं वो होंगे फरहान सम। एंड इसी चीज को सुन के ही सभी का दिमाग हो गया गरम, क्योंकि इनका डायरेक्शन किसी को भी पसंद नहीं है। हमें बच्चन पांडे भी नहीं पसंद, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी का जान भी अभी तक हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, और वो ही डायरेक्टर अब इसको डायरेक्ट करने वाले। और यहाँ पे मेकर्स का कहना यही है, और वो लोग नहीं मानते कि फरहान सम जी एक बुरे डायरेक्टर। और उन लोगों का कहना ये भी है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा तो अच्छे से अच्छा डायरेक्टर भी बुरा काम करेंगे, ये मेकर्स का कहना है। एंड इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि फरहान सम जी आए, यानी मेकर्स यहाँ पे 100-200% उनके ऊपर बहुत ज्यादा श्योर है कि हाँ भाई फरहान सम जी इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो ये सभी चीजें यहाँ पे इस मूवी के मेकर्स का कहना है, और फुल सपोर्ट यहाँ पे फरहान सम जी के ऊपर है। वो लोग फुल कॉन्फिडेंट पे हैं कि फरहान सम जी एक अच्छे डायरेक्टर है, और अगर उनको अच्छा स्क्रिप्ट मिले तो वो भी अच्छा काम कर सकते। यानी अभी आप लोग कह सकते हो कि 100-200% ये गारंटीड है, सील एंड डन है कि फरहान सम जी ही इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले है। और ये जो मूवी है ये फिलहाल अभी रुका हुआ है, बताया ये जा रहा है कि इस मूवी के अंदर कुछ यहाँ पे लीगल इश्यूज हो रखे हैं, कुछ कॉपीराइट्स यहाँ पे मिल रखे हैं, जिनके वजह से कुछ काम यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। एंड इसी के चलते ये मूवी अभी रुका हुआ है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि इस मूवी का शूटिंग कब से स्टार्ट होगा, ये मूवी कब से फ्लोर में जाएगा और रिलीज डेट क्या है, तो भाई साहब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी इश्यूज जो अभी हो रखे हैं इस मूवी को लेके, ये पहले सॉल्व होगा, देन उसके बाद ये चीजें होगा। एंड इसीलिए ही आप लोगों को पता होगा कि वेलकम 3 का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, और वो पहले अब आएगा, उसका पूरा काम खत्म होगा, देन इसके बाद जो है हेरा फेरी 3 का कोई भी काम है वो स्टार्ट होगा। यानी कह सकते हो कि टाइम अभी काफी लंबा है, और जो लोग वेट करके बैठे हुए कि दिवाली 2024 में वो भी आ सकते हैं, अब दिवाली में नहीं आएगा, ये अभी उससे भी आगे जाने वाला है, तो वेट अभी है। तो क्या कहना आप लोग इस विषय में कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं, और फरहान सम जी के बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।